भारत माता की जय। जनवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। नवागत महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी ने आज जो है शपथ ग्रहण के बाद यहां पर कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन खास बात यह रही कि वंदे मातरम को लेकर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में जो भारी बवाल हुआ था उसका यहां पर असर देखने को मिला। चार सभासदों की जो शपथ कराई गई उसमें वंदे मातरम का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन वंदे मातरम कहीं ना कहीं विलुप्त दिखाई दिया। केवल हरिकांत अहलूवालिया जी ने कहा कि विकास के मुद्दों पर बात होगी और किसी पर बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केवल विकास पर बात होगी, शायद ही आपको नगर निगम के बोर्ड की बैठकों में वंदे मातरम गूंजता दिखाई दे। जनवाणी से अशोक सोम समीर राणा के साथ। जैसे कि शपथ ग्रहण उस दिन समारोह नहीं हो पाया, आज हुआ है, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, शपथ ग्रहण समारोह तो उस दिन हुआ था, लेकिन हमारी शपथ नहीं हो पाई। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उस दिन जो विवाद हुआ है उस पर हम कोई टिप्पणी या कोई बात नहीं करना चाहते। वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सम्मानित तरीके से हमें नगरायुक्त साहब ने, मेयर साहब ने बुलाया है, हमारी शपथ हुई है, उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी है, हमने अपने जिम्मेदारी को पूरा किया है। अब इसके बाद हम शपथ के बाद जो हमें कानूनी अख्तियार मिले हैं अपने वार्ड में काम करने के लिए, शहर के विकास के काम करने के लिए, अब इस पर हम काम शुरू करेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। किन किन चीजों पर आप काम करोगे? सबसे पहले आप क्या प्रमुख जो समस्याएं हैं वो सभी वार्डों की, पूरे शहर की, वो सफाई व्यवस्था है और गड्ढा व्यवस्था है, जो गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए और कुछ प्रकाश की व्यवस्था है। हमारी जो परेशानी है, हमारे जो वार्ड वालों की परेशानी है, यानी कि पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, पाइपलाइन लीकेज हो रही है और रास्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। सबसे पहला यही काम है, पानी की व्यवस्था सही करनी है और जी रास्ते हैं वो सही कराने हैं। मेरा जी हमें यहाँ तक पहुँचा है, मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह निश्चित और सही तरीके से काम करेंगे। प्रॉपर वे में शुरू होने जा रही है, सफाई चल रही थी पहले भी, मगर अब एक बार फिर दोबारा से हमने उसका ये बात की अधिकारियों से, तो मैं समझता हूँ कि वो आज से ही शुरू हो जाएगी और जिस समय ये नाला साफ होगा उस समय हम लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे और ये ज्यादातर 7-8 बजे के बाद से शुरू होगी, क्योंकि दिन में ट्रैफिक चलता है तो ताकि उसको कोई बाधा ना हो। और जो नाले की सिल्ट है वो भी हमारा प्रयास होगा उसको हाथ के हाथ उसको उठाकर और वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में भेजेंगे। अभी सवा महीना है, जब तक सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो नगर निगम का जो जब भी विषय आता है तो यह थोड़ा बहुत विवाद ये सब चीजें चलती हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी विवाद था अब वो समाप्त हो गया। अब बार बार उस विषय पे चर्चा करनी ठीक नहीं, सबको चाहिए कि जो भी जिसका जहाँ भी विषय आए सबको हर एक को एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। तो मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में कोई ऐसा दोबारा होगा और अब सब पार्षद मिलकर डेवलपमेंट की ओर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।